शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले या पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध करवाते हैं वे शब्द उपसर्ग होते हैं। जैसे प्र अति अधि आ नी उत्ते अप अभि आदि सभी उपसर्ग होते हैं। और आज हम इस वीडियो में प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, प्रत्येक शब्द के अंदर प्रति उपसर्ग होता है और इसका मूल शब्द एक होता है, तो इस तरह से प्रत्येक बनता है। एक बार फिर से बता देते हैं कि प्रत्येक शब्द के अंदर प्रति उपसर्ग होता है। इसके अलावा साथ ही हम अन्य महत्वपूर्ण उपसर्ग और उनके मूल शब्द को भी जान लेते हैं, जो कि बार बार अनेक तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे उपसर्ग हैं प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल शब्द के अंदर प्रति उपसर्ग होता है। नंबर टू है अपराजिता। दोस्तों, अपराजिता शब्द जो होता है वह उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर बना होता है। इसके अंदर अ उपसर्ग होता है और पराजित जो शब्द होता है वह मूल शब्द होता है और आ प्रत्यय लगा होता है। नंबर थ्री है प्रभाव। दोस्तों, प्रभाव के अंदर प्र उपसर्ग होता है और भाव मूल शब्द होता है। नंबर फोर है अनर्थ। दोस्तों, अनर्थ के अंदर अन उपसर्ग होता है और अर्थ शब्द मूल होता है। नंबर फाइव है अलग। दोस्तों, अलग के अंदर ए उपसर्ग होता है और लग जो होता है वह इसका मूल शब्द होता है। नंबर सिक्स है प्रत्येक। दोस्तों, प्रत्येक शब्द के अंदर प्रति उपसर्ग होता है और एक इसका मूल शब्द होता है। नंबर सेवन है अनुर्वर। अनुर्वर शब्द के अंदर अनु उपसर्ग होता है। नंबर एट है दुर्लभ। दोस्तों, दुर्लभ के अंदर दुर उपसर्ग होता है। नंबर नाइन है अत्यंत। दोस्तों, अत्यंत शब्द के अंदर अति उपसर्ग होता है और अंत इसका मूल शब्द होता है। नंबर टेन है अपमान। दोस्तों, अपमान शब्द के अंदर अप उपसर्ग लगा होता है और इसका मूल शब्द मान होता है। इस तरह से दोस्तों, ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न या कह सकते हैं उपसर्ग हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही अनेक तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब के सर्च बार के अंदर सर्च कीजिए @bookstudy। आपको हमारा चैनल सबसे ऊपर मिलेगा और आपको हिंदी व्याकरण से जुड़ी विभिन्न तरह की जानकारी देने के लिए तत्पर रहेगा। तो मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने ज्ञान को विकसित करते रहिए।